मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपके पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 संधि, इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार करना है ये हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे वह संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सच्चरित यानी कि सच्चरित अपता चार रूप में परिवर्तित हो गया है। उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग के स्थान पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपा लाभ तपोह लाभ आदि। इसी प्रकार हम आते हैं अपनी पुस्तक अभ्यास पे। सभी विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। दो वर्णों के संयोग को क्या कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा संधि या फिर विशेषण संधि। संधि के भेद होते हैं 3। विसर्ग के पश्चात स्वर और व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ का जगत धननाथ, निर्धन निधन, देवेंद्र देव प्लस इंद्र, महर्षि महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार सच्चरित सच्चरित्र व्यंजन संधि। दु उपयोग दुरुपयोग विसर्ग संधि। निश्चल निश्चल विसर्ग संधि। अब संधि शब्द से मिलान यानी कि संधि का मिलान करना है। एक धन एक 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 ये हमारा वृद्धि संधि है। सु आगत स्वागत, स्वागत हमारा स्वागत स्वागत हमारा यड़ संधि है, स्वागत हमारा यड़ संधि है। उसके बाद नयन, नयन हमारा अयादि संधि है। निर्गुण, निर्गुण हमारा विसर्ग संधि। सूर्यास्त दीर्घ संधि, रमेश गुण संधि है। इसके बाद आई होप सो क्लास आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा सुना और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका में बहुत अच्छे से करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।